रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो बेटा ओपन पेज नंबर 16। सो वी आर ऑन पेज नंबर 16 बेचे। दिस इज़ अ पेज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। वी हैव डन टिल नंबर 5। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा नेट्स अ स्कार्फ एट द रेट ऑफ 469 मिलीमीटर एवरी डे। सारा एक बच्ची है जो एक ट्रिप पर थी, वो अपना स्कार्फ निट कर रही थी, बुन रही थी, और उसकी स्पीड क्या थी, 469 मिलीमीटर पर डे। इफ़ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज, हाउ मच ऑफ द स्कार्फ विल शी हैव निटेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप। अगर वो 8 दिन ट्रिप पर रहती है तो एंड ऑफ द ट्रिप पर उसने कितना स्कार्फ निट कर लिया होगा। क्या करेंगे इसमें, एक दिन में स्कार्फ कितना निट कर रही है, 469। 8 डेज में कितना करेगी, 8 को 469 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट बाय इट योर सेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड्स ₹955,000 टू बी कम्प्लीटेड, देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर 100 सच प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट है बेटे जो कि 955,000 उस पर लगेंगे कंप्लीट करने के लिए, तो 100 प्रोजेक्ट्स पे कितने लगेंगे, क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, जो भी नंबर होता है उसमें कितने ज़ीरो ऐड हो जाते हैं, 2 ज़ीरोस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 95530। ये तो ऑलरेडी है ना बेटे, इसमें कितने ज़ीरो ऐड हो जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 ज़ीरो, और ऐड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल। एक पार्क है जिसमें 50,000 पीपल आ सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन अकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क्स। अगर 10 ऐसे पार्क हों तो उसमें कितने पीपल आएंगे, एक पार्क में कितने आते हैं, 50,000, 10 पार्क में कितने आएंगे, क्या कर देंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और वही जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ज़ीरो ऐड हो जाएंगे इस नंबर में, 10 ऐड हो जाएंगे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, 5। ये तो हमारे पास है ही 50,000 और हमने 10 और ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, पहले 3 ज़ीरोस को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद फिर 005 को एक साथ लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये, 500,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ ₹294,850 आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 month, देन हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 months। अगर किसी वेलफेयर ट्रस्ट को इतने रुपीज़ एक महीने में मिलते हैं तो 42 months में कितने मिलेंगे, क्या करेंगे इसको भी, मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, ये नंबर ऊपर लिखकर 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दिस, 294850 ऊपर लिखा हमने, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16, +1 17, 2 4 8, +1 9, 2 9 18, 2 2 4, +1 5। फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगाते हैं, 4 0 0, 4 5 20, 4 8 32, +2 34, 4 4 16, +3 19, 4 9 36, +1 37, 4 2 8, +3 11। अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, 0 0 7, 9 4 13, 9 8 1 18, 7 1 8, 8 5 13, 1 1 2 और 1। ठीक है, क्या नंबर आ गया, 1 2 3 8 3 7 00। इसको हम लिखेंगे कैसे, 007 383 21। ठीक है, क्या बन गया ये बेटे, यूनिट 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 12,383,700 rupees। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ना बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आई स्टूडेंट पेस ₹123,000 एनुअली टू द स्कूल। एनुअली का मतलब क्या हो गया कि साल में। ठीक है, हाउ मच डज ही पे मंथली। एक साल में वो इतने मनी पे करता है तो एक महीने में कितना करेगा, कम करेगा ज़्यादा करेगा।
एक साल में जितनी फीस पे कर रहा है एक महीने में उससे कम करेगा ज़्यादा करेगा? कम करेगा, कम करेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? कितने मंथ से? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 123000 को किससे डिवाइड कर देंगे? डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं। 123000 को अंदर रखा, 12 को बाहर रखा, 12 से डिवाइड करेंगे। पहला नंबर क्या है हमारे पास? 12 और इधर भी 12। तो 12 मंजा 12, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस माइनस किया ना, तो कुछ भी नहीं बचा। फिर क्या कॉपी डाउन किया हमने? 3। अब 12 बड़ा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पे हमने 0 लगा कर क्या कॉपी डाउन किया? 0। क्या बन गया ये? 30। 12 का टेबल पढ़िए, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36। 3 से तो बड़ा हो रहा है, क्या करेंगे? 12 टू ज़ा 24 और इसको माइनस कर देंगे, 6 आंसर आएगा। उसके बाद फिर ये वाला 0 भी कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है, 60। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60। 5 लिखेंगे और 60 लिखेंगे। उसके बाद ये वाला 0 करेंगे कॉपी डाउन, तो 12 ज़ीरो ज़ा 0, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 10250, ठीक है। नंबर 10 का आंसर हो गया रुपीज़ 10250। 11 है बेटे, इफ़ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स ईच वर्थ रुपीज़ 655,000, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स? अगर एक आदमी के पास 25 शॉप्स हैं और हर शॉप की, मतलब एक शॉप की प्राइस इतनी है, तो 25 की कितनी होंगी? एक शॉप की इतनी है तो 25 की कितनी होंगी, ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा करने के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है, इस नंबर को ऊपर रख के 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो डू इट इन योर कॉपीज़ बेटे, साफ साफ काम कीजिएगा कॉपी में। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।